मुरादाबाद के लाइन पर गायत्री नगर पहुंचे किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। मुरादाबाद के किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों ने ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में आए विष्णु त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार, जिला सचिव आशुतोष शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभी का मुरादाबाद लाइन पर गायत्री नगर इंद्रावती जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के पद पर नियुक्त किया। उसके साथ ही सुनीता सैनी तहसील महामंत्री के महिला मोर्चा के पद पर नियुक्त किया गया, स्वागत किया गया। साथ में रहे मुरादाबाद के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अकील, प्रदेश संगठन मंत्री ठाकुर सत्येंद्र सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री राजीव ठाकुर, मंडल महामंत्री शंकर लाल सैनी, मंडल महामंत्री बीपी सिंह, प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश नासिर पाशा, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक रिजवान चौधरी, सुनीता तहसील महामंत्री इंद्रावती, जिला उपाध्यक्ष गोपाल सैनी, जिला मंत्री रामकिशोर, ब्लॉक महामंत्री। मुरादाबाद के इन पदाधिकारियों के साथ साथ लाइन पार्क के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मामला ये है, भारतीय किसान महाशक्ति की एक पंचायत हुई है और पंचायत करने के बाद किसान मजदूरों की जो समस्या थी, पुलिस से संबंधित या बिजली से संबंधित, उनकी समस्या सुनी। उसके बाद संगठन को मजबूत करने के लिए इंद्रावती को जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के पद पर मनोनीत किया और सुनीता देवी को, जो सुनीता सैनी है, उनको तहसील महामंत्री के पद पर मनोनीत किया है। इसलिए जिससे कि जिला मुरादाबाद में संगठन मजबूत होगा तो किसान मजदूरों की आवाज़ उठा सकेंगे, क्योंकि इस सरकार में जितने बिजली विभाग के अधिकारी या थाना पुलिस के अधिकारी इस जनता को परेशान कर रहे हैं, जितना शोषण जनता का हो रहा है शायद कभी इतना नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो इसलिए इस गुंडागर्दी को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारतीय किसान महाशक्ति ने संगठन का विस्तार किया है और इस संगठन में हमारे बड़े कद्दावर नेता हैं, जो मुरादाबाद के सत्येंद्र चौहान जी, राजीव चौधरी जी, नाजिर पासा जी और हमारे रिजवान चौधरी जी, और बुलंदशहर से चलकर आए हमारे विष्णु दत्त त्यागी, जो जिला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और वीपी सिंह जी हैं और सैनी साहब हैं, समस्त हमारी या सम्मानित कार्यकारिणी साथ में हैं। तो इनको आज हमने यही दिशा निर्देश दिए हैं कि संगठन को जल्दी से जल्दी मजबूत करें, तगड़ा बनाएं, जिससे कि गरीब और मजदूरों की आवाज़ आप उठा सको। अच्छा, उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे जो घर के अंदर ही बंद होकर रह जाती हैं, घर के काम में रह जाती हैं? हम तो यही कहेंगे, नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस डेट में। नारी शक्ति, हमें नारी शक्ति का सम्मान करना है, नारियों को सम्मान कराना है। अपनी टीम से भी यही कहा है कि नारियों को आगे बढ़ाओ, इन्हें आगे निकालो, जिससे कि स्वयं अपनी आवाज़ उठा सकें, और इनका साथ आप हम सबको देना है, जिससे कि कभी भी इनको कोई भी किसी से पीड़ित ना होना पड़े, इनकी पीड़ा को समझ सकें। इसलिए आज नारी शक्ति को आगे बढ़ाकर हमने महिला मोर्चा का गठन किया है।